इसमें तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आपको क्या लगा, क्या राहुल गांधी वाकई देश के अंदर कोई खतरनाक जिसे कहते हैं नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? वो टेक्सास जाते हैं तो देश के खिलाफ काम करते हैं, वो लंदन जाते हैं तो देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, वाशिंगटन जाते हैं तो देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ जब न्यूयॉर्क में भाषण देते हैं तब भी वो देश के खिलाफ काम करने, अगर ऐसा है क्या? पहला तो देखिए आशुतोष, ये जरूर साबित हो गया है कि आज की तारीख में अगर कोई मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को रैटल करता है तो वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी ही हैं। वो चाहे देश में कुछ बोले, संसद के अंदर कुछ बोले या विदेश में कुछ बोले, और उनको निश्चित रूप से काउंटर करने के लिए पूरी की पूरी फौज जो है कैबिनेट मंत्रियों की वो फिर अनलीश कर दी जाती है। पहले ये काम स्मृति ईरानी जी का एक्सक्लूसिव एक तरीके से डिपार्टमेंट था, उसके बाद वो डिपार्टमेंट और बढ़ गए, अभी सारे के सारे मंत्री शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि राहुल गांधी गेट्स अंडर द स्किन, और मुझे लगता है कि उनकी स्पीचेस अगर आम लोग नहीं भी देख रहे हो तो बीजेपी वाले बड़ी मदद करते हैं उनकी स्पीचेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उनकी पब्लिसिटी जो है वो काफी आउटसोर्स हो गई है बीजेपी के आईटी सेल को, तो कांग्रेस शुड थैंक द आईटी सेल कि भाई आपकी वजह से हमारे भाषण को हम दूर दराज इलाकों तक पहुंचा पा रहे हैं। जो टीवी के मुख्य धारा की मीडिया शायद इन बयानों को ना दिखाती, लेकिन आपके रिएक्शन की, आपकी प्रतिक्रिया की वजह से जो है लोगों तक पहुंच रही है, जहां पहले इन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा था अपने बयानों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जब जब राहुल गांधी खास करके बाहर जा रहे थे तो एक उनके लिए माध्यम था कि अपनी बात को कहीं तो रखे, क्योंकि यहाँ इंडिया में पिछले 10 सालों में एक पूरी मशीनरी थी जो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो पप्पू हैं। तो एक ये तो है कि भैया वो पप्पू हैं नहीं, उनके सारे बयानों को ये सरकार बहुत सीरियसली लेती है, गंभीरता से लेती है। जहां तक सवाल बाहर जाकर बातें करने का है, इसमें देखिए दो चीजें हैं जो आर्ग्यू की जा सकती हैं आशुतोष। एक ये कि जो वो कह रहे हैं उसकी मेरिट सही है, गलत है, वो लॉजिकल है, इलॉजिकल है, और उस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि उन बातों को चर्चा करने के लिए आप लोग सारे के सारे बहुत वरिष्ठ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। दूसरा जो पहलू है इसका कि क्या बाहर जाकर इस तरह से आपको क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, तो यहाँ देखिए जो बड़ी बात है, ये लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक देश सरकार और प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। देश इज नॉट इक्वल टू द प्राइम मिनिस्टर। एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर वो इस दफा जा रहे हैं, कुछ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, an attack on Mr. Modi need not necessarily mean an attack on India. ये ना India was Indira, ना Indira was India, ना India is Modi, nor Modi is India. ये constitutional posts में है, I think इसे समझना बहुत जरूरी है। और इसे हम बार बार nationalism का चोला पहना कर जब हम इसे sell करते हैं तो वो patriotism का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात है, देखिए राहुल गांधी तो as leader of opposition फिलहाल जाकर ये बयान दे रहे हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों को देख रही थी, वॉर्सो में अभी हाल ही में थे वो, जब यूक्रेन गए तो उसके दौरान वो पोलैंड भी गए, और वहां जो कम्युनिटी इवेंट है उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आज से पहले भारत किसी के साथ ही नहीं खड़ा होता था, सबसे दूरी बना के रहता था। हमारी आज की तारीख में जो पॉलिसी है कि हम सारे देशों के साथ हम खड़े हो रहे हैं, तो आप तो अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों के विदेश नीतियों की आप किरकिरी कर रहे हैं। आप बार बार जाके जितने डायस्पोरा इवेंट्स है जहां जाकर प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, जब आप जाकर ये कहते हैं कि पासपोर्ट वजनदार हो गया और हमारा देखिए देश, मतलब अब खैर कांग्रेस ने तो आज काफी सारे बयान जारी किए हैं, 2015 का बयान जारी किया है जहां साउथ कोरिया और चीन के दौरे के दौरान वो जाकर कह रहे हैं कि एक कुछ वक्त पहले तक ऐसा लगता था कि किस देश में हमने जन्म ले लिया। तो अगर तो सवाल है, तो अगर ये नैतिकता का सवाल है तो फिर ये हर तरफ लागू होना चाहिए। फिर सारी पार्टियों को जिम्मेदारी से कहना चाहिए कि हम बाहर जाकर जो कोई आलोचना करेंगे ही नहीं, लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच अगर आप लेंगे तो ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है कि आप जाकर बाहर कुछ भी बोलें अपने प्रीवियस सरकारों के बारे में। विदेश नीति में जहां माना जाता है कि सरकारों में एक कंसिस्टेंसी रहती है, सरकारें बदलती हैं लेकिन एक इक्वल सपोर्ट रहता है संसद के अंदर विदेश नीति को लेकर, आप उन पिछली सरकारों की विदेश नीति को आप विदेश भूमि पर जाकर आप उसकी पूरी आलोचना करके आते हैं, बार बार ये दिखाकर आते हैं कि 10 साल के अलावा जो है भारत का जन्म ही लगभग 2014 में हुआ है, तो फिर आपकी नैतिकता कहाँ है? आप तो एज प्रधानमंत्री, एज हेड ऑफ गवर्नमेंट जाकर ये बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बिल्कुल, और इस यात्रा के दौरान ये स्पष्ट कर दिया गया था।